बोआ को विश्व का सबसे विशाल सांप का दर्जा प्राप्त है। टाइटेनोबोआ की लंबाई 50 फीट होती थी, तो वहीं इसकी चौड़ाई आमतौर पर 4 फीट होती है। टाइटेनोबोआ आज से करीब 6 करोड़ साल पहले की प्रजाति है, जो डायनासोर के समय पर धरती पर मौजूद था। हालांकि बाद में सांप की इस प्रजाति को विलुप्त करार दे दिया गया था, लेकिन अब विश्व के इस सबसे बड़े सांप की मौजूदगी को लेकर एक बार फिर से बवाल मचना शुरू हो गया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि टाइटेनोबोआ आज भी दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में जिंदा है। टाइटेनोबोआ इतना विशाल है कि यह मगरमच्छ को साबुत निगल सकता है। टाइटेनोबोआ का वजन 1500 किलो होता था। टाइटेनोबोआ सांप को मदर ऑफ वाटर के नाम दिया गया था। टाइटेनोबोआ के अस्तित्व का दावा करने वाले वैज्ञानिक का कहना है कि अमेजन नदी का क्षेत्र इतना विस्तृत और रहस्यमयी है कि वैज्ञानिक आज तक नदी की तह तक पहुंचने में असफल रहे हैं। गौरतलब है कि अमेजन नदी की कुल लंबाई 6992 किलोमीटर है। धरती के अब तक के सबसे बड़े सांप टाइटेनोबोआ के बारे में कुछ जानकारियां। टाइटेनोबोआ सांप का अस्तित्व धरती पर 60 लाख साल पहले था, यानी कि ये डायनासोर के ख़त्म होने के 10 लाख साल बाद धरती पर पाए जाते थे। टाइटेनोबोआ धरती पर मौजूद अब तक की सबसे बड़ी सांपों की प्रजाति है। आज के समय में मौजूद सबसे बड़े सांप एनाकोंडा से लंबाई में लगभग 2 गुना और वजन में 4 गुना होते थे। टाइटेनोबोआ सांप की लंबाई 40 से 50 फीट होती थी और वजन 1000 से 1500 किलो के करीब था। टाइटेनोबोआ पूरी तरह मांसाहारी होते थे। यह सांप जहरीले नहीं होते थे, लेकिन इनका बार इतना जोरदार होता था कि यह एक ही बार में शिकारी मर जाता था। इनके काटने की शक्ति 400 lbs प्रति इंच मानी जाती है। आजकल के बड़े सांपों जैसे एनाकोंडा और पाइथन की तरह शिकार को लपेटकर उसका दम घोटकर नहीं मारता था, बल्कि शिकार को लपेटकर एक जोरदार वार करता था और शिकारी तुरंत मर जाता था। टाइटेनोबोआ चाहे कितना भी बड़ा हो, लेकिन यह बहुत ही कम खाना खाते थे। उस समय सबसे बड़े मगरमच्छ को खाने के बाद लगभग साल भर कुछ नहीं खाते थे। टाइटेनोबोआ मगरमच्छों के साथ दूसरे सांपों जैसे कि कोबरा व अजगर जैसे सांपों को भी खा जाता था, जिससे कि आप इसकी ताकत व आकार का अंदाज़ा लगा सकते हैं। टाइटेनोबोआ एक विलुप्त हो चुकी प्रजाति है और दी गई जानकारी वैज्ञानिक द्वारा इसके जीवाश्म पर शोध करके अनुमान द्वारा बताई गई है। अगर इसके बारे में अनुमानित जानकारी सच है, तो हमें खुश होना चाहिए कि यह विशालकाय सांप आज के समय में मौजूद नहीं है। और हमारी वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी।